तूने एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट को बाहर निकलवा दिया। कौन कह रहा है ये बात? मतलब तेजस्वी प्रकाश को अब ये एहसास हो रहा है कि उमर रियाज इज अ डिजर्विंग बॉय इन कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस। क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। स्वागत है आपका बिग बॉस तक में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जेर अंसारी। चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें। तो बिग बॉस के घर में टास्क चल रहा है फुल, गुत्तम गुत्ती, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। ठीक, तो भैया वो जो साइकिल का पार्ट से आपको उसकी साइकिल की रखवाली करनी है पूरी रात, लेकिन वो साइकिल को आपको संभाल कर रखना है, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए साइकिल का, ये टास्क है बिग बॉस का। तो रश्मि सॉरी तेजस्वी प्रकाश को जाना होता है बाथरूम, तो वो साइकिल वहीं पर ले आती है, तो कहीं ना कहीं ले आते टाइम लग जाती है, क्या नाम है, तेजस्वी प्रकाश को चोट। तो ऐसे में वो प्रतीक सेजपाल से कहते हैं कि तेरी वजह से मेरे को चोट लगी है। बस वो कहते हैं तेरे को बिग बॉस का हर कंटेस्टेंट जाता है कि तू कितना ज़्यादा नीच इंसान है, कि तूने तेरी ही वजह से मेरे चोट लगी। तो प्रतीक सेजपाल अपनी माँ की कसम खा लेते हैं, कहते हैं आई मेरे माँ की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो करण कुंद्रा कहते हैं भाई साइकिल है, इसमें लगना झगड़ना तो है ही, एक दूसरे के तो चोट लगेगी, साइकिल ले लो ही की है, ऑब्वियसली लगेगी। तो ऐसे में प्रतीक सेजपाल से तेजस्वी प्रकाश कहते हैं कि तेरी वजह से तू अपने इस नीच काम से बाज नहीं आएगा, तेरी वजह से एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर से जा चुका है। उमर रियाज के बारे में बोलते हुए नजर आई ये बात, यानी कि अब ये बात इन्हें एहसास हो रहा है कि उमर रियाज डिजर्विंग कंटेस्टेंट था बिग बॉस के घर में। क्या प्रतीक, बस मतलब ये कुछ वर्ड्स नहीं है ना इनके बारे में कहने के लिए। आपको ऐसे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, हमारे को कॉमेंट करके फटाफट बताएं। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।